आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 3 करने वाले हैं। इससे सारे पहले के एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाएं कंस्ट्रक्शन के, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका प्लेलिस्ट, कंस्ट्रक्शन क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट होगा। आप वहाँ जाएं, आपको पिछले क्वेश्चन का सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि ड्रो अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल हमें बनाना है ABC, इन विच AB इज इक्वल टू दे दिया है हमें कितना 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर। और बोल रहा है क्या कि एंगल ABC, जो एंगल B होगा हमारा, है ना, एंगल ABC यानी बीच में B है, तो एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। देन बोल रहा है कि देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल हमको और बनाना है हुज साइड्स आर, जिसका साइड क्या होगा 5/7 होगा, टाइम्स होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि जो पहला ट्रायंगल है हमारा ABC उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जितने भी हैं तो वो कितने होंगे, 5/7 होंगे। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था डियर स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो हमारा नेट ट्रायंगल बनेगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग बनाएंगे, वो छोटा बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसका जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा, और लेस देन 1 होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपके छोटा बनेंगे, यानी कि ट्रायंगल के अंदर हमारा ट्रायंगल बनेगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग एक BC खींच लेते हैं, साइड BC हमें बोला है कि 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग पहले एक बेस साइड खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया हमारा डियर स्टूडेंट्स एक साइड BC जिसका मैं जो है लेंथ ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का लेंथ, BC का लेंथ। चलिए अब मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया हमारा B एंड ये हो गया हमारा C। तो BC हमें कहा गया था कि 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा कितना डियर स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर। देन अब हमें बोला है कि एंगल B पर 60 डिग्री खींचना है, तो चलिए 60 डिग्री अब एंगल B, यानी कि B हमारा यहाँ है, यहाँ से 60 डिग्री खींचना है, तो हम लोग कंपास लेंगे, कंपास को कहीं भी फिक्स कर दो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इसको आपको एक आर्क लेना है, तो ये लिया मैंने एक आर्क। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जहाँ मैं रेड पेन का काम कर रहा हूँ डियर, वहाँ आपको हल्के लाइनों हल्के हाथ से काम कर खींचना है, वहाँ पर आपको डार्क नहीं बनाना है। तो ये मैंने एक आर्क ले लिया है, अब इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए यहाँ रखेंगे और पहला कट लेंगे। हमें मालूम है जो फर्स्ट कट होगा वो 60 डिग्री होगा, तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री पहला कट। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस दोनों लाइन पॉइंट को मिला करके खींच देंगे एक लाइन। तो देखो ये इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाओ एंड देन एक साइड खींच दो, ये हो गया हमारा, वो साइड खींच दिया। अब देन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो बोला है कि AB जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर कहीं A होगा और A से B तक का जो दूरी होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग कंपास से एक काम करेंगे, 5 सेंटीमीटर का दूरी नाप लेंगे। तो ये हम लोगों ने नापा है 5 सेंटीमीटर का दूरी, देखो ये है 0 सेंटीमीटर पर और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ और लेके आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के पास में, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर हमारा ये हो चुका है। अब इसको यहाँ पर मैं रखूँगा और एक कट कर दूँगा, तो ये जो पॉइंट हमारा मिला है डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया A, तो ये पॉइंट हमारा A आ गया है स्टूडेंट्स, देख लो, तो ये A आ गया। अब हमारा अगर हमें A से C को मिला दूँ तो हमारा बहुत शानदार सा खूबसूरत सा एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, और जैसा कि कहा गया था क्वेश्चन में, बिल्कुल क्वेश्चन के मुताबिक ही हमारा फॉर्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि AB को 5 सेंटीमीटर लेना है, तो AB हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। ये एंगल जो हमें कहा गया था कि 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री भी हो गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और BC हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया है और AC भी हमारा बन गया। अब हमें बोला है कि दूसरा ट्रायंगल बनाना है, जो कि क्या होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड 5/7 होंगे, है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड 5/7 में करने वाला हूँ। अब वो देख लो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक एक्यूट एंगल खींचेंगे, हमें जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, तो ये मैंने एक्यूट एंगल खींच लिया और इसको मैंने आपको करना है हल्के हाथों से, लाइन को डार्क नहीं करना है, इसलिए मैं रेड पेंस का काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने हल्के हाथों से एक लाइन खींच लिया, एक्यूट एंगल। अब देन इसके बाद क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा 7 है तो इस लाइन को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आपको मैंने कहा था कि हर 1 सेंटीमीटर को एक पार्ट लेना, तो आपका 7 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। तो देखो 1 सेंटीमीटर को मैंने लिया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये तीसरा हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर में चौथा, 5 सेंटीमीटर में पाँचवा, 6 सेंटीमीटर में छठा एंड 7 सेंटीमीटर में ये सातवा हो गया हमारा। टोटल 7 पार्ट में मैंने इस लाइन को कर दिया है डिवाइड। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसका नेमिंग कर देते हैं, तो ये नेमिंग हमारा हो जाएगा यहाँ से। चलिए मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ, तो ये B है तो इसको मैं B1 मान लेता हूँ, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया हमारा एंड ये B4, B5, B6 एंड ये फाइनली B7। तो इस तरह से मैंने नेमिंग कर दिया है। और डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन का नाम दे देता हूँ मैं कि ये लाइन हमारा X है,
ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे जो हमारा लास्ट पॉइंट है यानी कि सेवन जो है यहाँ से हम लोग सी तक को मिला देंगे। तो चलिए अब वही काम कर रहे हैं, ये लिया मैंने स्केल और मैं इसको सेवन से मिला रहा हूँ और इसको भी हल्के हाथों से ही काम करना है। ये सब सारे आपके रफ वर्क हैं, साइड वर्क हैं, तो इसको मुझे ज़्यादा डार्क करके नहीं दिखाना है। जो हमारा मेन चीज़ है, मेन ट्राइंगल होगा, उसको हम लोग डार्क करके दिखाएंगे। तो ये लाइन हम लोगों ने खींच दिया, ये ज्वाइन हो गया। देन अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ है फाइव, देखो न्यूमरेटर में फाइव है, तो हम लोग यानी कि जो बी फाइव यहाँ है ना हमारा, तो यहाँ से एक लाइन खिंचाएगा बी फाइव से जो कि इसके पैरेलल होगा। बी सेवन और सी के पैरेलल मुझे एक लाइन खींचना होगा, तो चलिए मैं उसके पैरेलल लाइन खींचने वाला हूँ। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है लाइन खींचने के डायरेक्शन से कि पहले हम लोग एक यहाँ रख के एक आर्क ले लेंगे। तो ये आर्क हम लोगों ने ले लिया, आप इसको कितना बड़ा भी ले सकते हो, चाप को कितना बड़ा भी ले सकते हो, लेकर के एक आर्क ले लिया, जरूरी नहीं कि इतना ही भर लेना है, आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हमें लाइन खींचना है बी फाइव से, तो इस नोकिला पार्ट को बी फाइव पर रखेंगे और एक आर्क यहाँ से भी ले लेंगे बिना कंपास को डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब नहीं करना है अभी हमें कंपास को। चलिए ये आर्क ले लिया, अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला आर्क था इसको मेजर कर लेंगे। तो इसके एंगल को मेजर कर लेंगे, यहाँ बी फाइव यहाँ जो कट किया है ना ये लाइन ए पॉइंट इसको, और ये जो पॉइंट है हमारा इसको, इसको जो मेजर करेंगे तो ये हमारा हो गया है डियर स्टूडेंट मीज़र, देख लो ये हो गया मीज़र। अब इसको जब मीज़र कर लिया अपन ने तो यहाँ इसको रख करके और एक कट यहाँ ले लेंगे और हमारा खूबसूरत सा एक पैरेलल लाइन मिल जाएगा जब हम इन दोनों पॉइंट को मिला करके बनाएंगे। तो हमें बी फाइव से बोला गया था डियर स्टूडेंट्स, बी फाइव से ही हम लोगों ने पॉइंट लिया था, तो बी फाइव से और इस पॉइंट को जो हम लोग मिला देंगे। तो चलिए मैं इस पॉइंट को और बी फाइव वाले पॉइंट को मिलाने जा रहा हूँ। तो ये जब जैसे ही मिलेगा तो देखो डियर स्टूडेंट्स हमारा लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल बन गया है, ये लाइन इसके पैरेलल बन चुका है। क्यों बना है पैरेलल, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है हमारे वो इक्वल हो गए हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल होगा हमारा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब आगे तरफ चलते हैं। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है इस पॉइंट का नाम मैं डाल देता हूँ डी, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डी पॉइंट से ए बी ए सी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर हम लोग सी के पास रखेंगे और एक आर्क ले लेंगे। तो ये हम लोगों ने एक आर्क ले लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमें खींचना है डी पॉइंट से पैरेलल लाइन, तो फिर डी के पास रखेंगे और एक आर्क और ले लेंगे, ये ले लिया हम लोगों ने एक आर्क। अब इस वाले आर्क को मेजर कर लेंगे, तो ये हम लोगों ने कर लिया है इसको मेजर, ये देखो ये हो गया हमारा मेजर, अभी मेजर हो गया है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ रखेंगे और कट कर देंगे इसको, इस वाले आर्क को कट कर दिया, तो देखो ये हो गया हमारा कट। अब इस डी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बस इस पॉइंट को और डी पॉइंट को रख करके मिला देंगे और हमारा जो है ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा बिल्कुल ही। तो देखो ये हो गया है, अब इसका नाम मैं डाल देता हूँ, ये हो गया हमारा ई। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखो बी डी ई ये जो हमारा ट्रायंगल बन गया है ये बन गया हमारा 5:7 के, 5/7 उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो ये अगर हमारा 7 है तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो 5/7 के इस लेंथ में हमारा एक नया ट्रायंगल बन चुका है। तो अब यहाँ लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि देखो ये ट्रायंगल हमारा और ये बड़ा ट्रायंगल हमारा दोनों हो गया है सिमिलर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल EBD, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि EB, देखो डियर स्टूडेंट्स EB by AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BD by BC, तो BD by BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ED by AC इज इक्वल टू हमारा क्या है 5/7 था, तो ये 5/7 बन चुका है, ये आ चुका है हमारा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स यही मुझे निकालने के लिए कहा गया था, यही मुझे बताने के लिए कहा गया था कि कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ के हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, जहाँ अब हमारा अगर जब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमिनेटर बड़ा होगा उस केसेस में क्या होने वाला है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय बाय।